Meanwhile, protests have also broken out along the Rishikesh-Badrinath highway. The roads were jammed, throwing traffic out of the gear. My colleague Abhishek gets us a ground report. हम इस वक्त बद्रीनाथ हाईवे पे हैं और स्थिति मैं आपको दिखाना चाहूंगा। वहां अंकिता हत्याकांड में जनता परेशान होकर सड़कों पे उतर गई है, सरकार की नीतियों से ज्यादा परेशान है। और यहां जो यात्री आए हुए थे बद्रीनाथ सड़क पे, ये देखिए कितना लंबा जाम लगा हुआ है। इधर से ही थोड़ा आप जाम की स्थिति देखिए, और यहाँ जब जाम लग गया है तो आप समझ सकते हैं कि लोग कितने परेशान हैं। यहाँ देखिए किस हद तक लोग परेशान होकर यहीं पे खाना बना रहे हैं और यहाँ खुद खाना भी खा रहे हैं। आप यहाँ कैसे पहुँच गए और क्या कर रहे हैं इस समय? ये खाना खा रहे हैं, आप सब लोगों को देख रहे हैं, क्या है पूरा वाला? हम लोग चारधाम की यात्रा में गए थे और वापिस में बद्रीनाथ से आ रहे थे, उसके कारण यहाँ कोई मर्डर हुआ वगैरह बताया गया, लोकल बंदों ने बताया हमको, तो उसके कारण हमको बहुत परेशानी हो रही है। इनकी सीटें भी बुक है, जाना है इन्होंने दिल्ली जाना है। से यहाँ खड़े रहे, हमको फ्लाइट का कल सुबह 5 बजे का दिल्ली से फ्लाइट है, हम फ्लाइट में जाना है, फ्लाइट बुकिंग बोर्डिंग पास पूरा मिल गया है। हाँ, हम यहाँ थक गया है। कब से खड़े हैं आप लोग? अब 12 घंटा। कितनी संख्या है? 60 आदमी इकट्ठा आए हैं। तमिलनाडु मदुरई से आए हैं, मदुरई मीनाक्षी मंदिर से आए हैं, चारधाम देखने के लिए लास्ट ट्रिप है हमारा। यहाँ से अभी हरिद्वार जाना पड़ता है। Right now, it's not just that. In fact, we have a reaction coming in from Ankita's father as well. And on the same line, we also have a reaction coming in from the father of the accused number one. Now, the expelled BJP leader, Vinod Arya, whose son is accused of murdering a teen in Uttarakhand, calls his son Sidha Sadha. He claims that his son was in fact living separately for some time and that he would never indulge in such an activity. Arya says that he wants justice for both his son as well as the murdered teen. Let's listen in. कीड़ा जड़ी को लेकर भी वो नहीं नहीं भाई साहब, देखो ये तो कुछ भी कहेंगे लेकिन ऐसा कोई बात है नहीं, मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं आई। वो सीधा साधा बालक है, अपनी काम से काम ध्यान रखता है, बिजनेस में अपना काम है उसका।